A simple C program printing a line of text. एक असाधारण सी प्रोग्राम इसमें एक पंक्ति लिख रहे हैं. इसमें कुछ कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को अब उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं. तो एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में कुछ लिखा है. तो स्लैश स्टार फॉरवर्ड स्लैश को मैं स्लैश ही बोलूँगा और बैकवर्ड स्लैश को बैक स्लैश या बैकवर्ड स्लैश बोलूँगा. तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार और ये बैक स्टार फॉरवर्ड स्लैश. एक जगह स्लैश पहले है, स्टार बाद में, दूसरी जगह स्टार पहले है, फॉरवर्ड स्लैश बाद में. इसके बीच में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं जिनको हम कमेंट कहते हैं. ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. उसके बाद में हैश, हैश मतलब दो वर्टिकल लाइनें, दो हॉरिजॉन्टल लाइनें जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. इस तरह का एक चिन्ह होता है, साइन होता है. उसके बाद में इंक्लूड का एंगल ब्रेसेस में लिखा है stdio.h. उसके बाद में इंट मैन के बाद में पैरेंथेसिस छोटा कोष्टक स्टार्ट और बंद, बाद में कर्ली ब्रेसेस मतलब मझला कोष्टक. उसके बाद में डबल स्लैश लिखा, डबल स्लैश मतलब फिर कमेंट है. ये वन लाइनर कमेंट है, मतलब इस लाइन में आगे जो कुछ लिखा है वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है. उसके बाद में पांच बार प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखा. यदि वन लाइनर प्रोग्राम बना लिया तो ये समझ में आता है, फिर भी इसमें समझाएंगे थोड़ा बहुत. रिटर्न जीरो ये प्रोग्राम के एंड को बताता है या फंक्शन कुछ रिटर्न करता है उसको बताता है. और कर्ली ब्रैकेट ऑफ ये मझला कोष्टक बंद. सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट. कमेंट को हम सी प्रोग्रामिंग में डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं. किसी भी प्रोग्राम को की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए, उसको जो पढ़ रहा है उसके वो प्रोग्राम पढ़ कर समझ आए, ये अच्छी गुणवत्ता का करने के लिए हम सी प्रोग्राम में कमेंट लिखते हैं. वो इनलाइन कमेंट मतलब डबल स्लैश के आगे जो लिखा है वो कमेंट का पार्ट है, मतलब वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है. इसके अलावा हम फॉरवर्ड स्लैश और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जो लिखते हैं उनको मल्टीलाइन कमेंट बोलते हैं. इन दोनों जैसे स्लैश स्टार आया और उसके बाद में हम कितने भी लाइन्स लिख सकते हैं. उसके बाद में जहां स्टार फॉरवर्ड स्लैश आएगा वहां पर वहां तक का पूरा हिस्सा प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा. इसको हम कमेंट कहते हैं, मल्टीलाइन कमेंट कहते हैं. जो भी कमेंट्स होते हैं वो कंपाइलर उनको नहीं पढ़ता है. कंपाइलर हम उस डिवाइस या टूल को कहते हैं, उस प्रोग्राम को कहते हैं जो अपने हायर लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है या इधर के हम कहें कंपाइल करता है, उसको हम कंपाइलर कहते हैं. सी का जो कंपाइलर है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, वो कमेंट्स को नहीं पढ़ता है, कमेंट्स को नहीं देखता है, कमेंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर करता है. इसलिए जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कमेंट्स किसी तरह का कोई एक्शन नहीं करते हैं, किसी तरह कोई एग्जीक्यूशन नहीं दिखाते हैं, किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं दिखाते हैं, किसी तरह का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं. इस तरह से कमेंट्स हैं वो प्रोग्राम को कभी भी ख़राब नहीं करते हैं, कमेंट्स रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं. हाँ, प्रोग्राम कमेंट्स यदि ज़्यादा संख्या में हो जाएँ तो वो रीडेबिलिटी नहीं बढ़ाते, वो भी अच्छे नहीं होते. इसके बाद हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं. प्रोग्राम की स्टार्टिंग हैश से है. हैश का मतलब ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है, प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले का कुछ इनपुट है. ये कंपाइलर इसको जो भी हैश लिखा है उसके बाद वाले को एज ए प्री प्रोसेसर लेता है, मतलब यहाँ से कुछ ये डिफाइन करता है, यहाँ से कुछ डेफिनेशंस लेता है, यहाँ से कुछ इंक्लूड करता है. हमने यहाँ लिखा है हैश के बाद में इंक्लूड, मतलब ये किसी बाहरी फाइल को इनपुट में इंक्लूड करेगा, इनपुट के रूप में इंक्लूड करेगा, उस फाइल से कुछ डेफिनेशंस लेगा, उस फाइल से कुछ इनपुट लेगा. किस तरह की इनपुट लेगा इसको भी हम देखते हैं. तो हमने हैश इंक्लूड के बाद में एंगल ब्रेसेज में लिखा है stdio.h. यार stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, आई फॉर इनपुट, आउट फॉर आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट पुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को डिनोट करता है. डॉट एच मतलब ये हेडर फाइल है. तो इस हेडर फाइल में जो भी इनपुट और आउटपुट हैं उनकी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, उनकी डेफिनेशन है. तो इसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी कहते हैं. और इसके अंदर
प्रेजेंट प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इसमें प्रिंट एफ की डेफिनेशन इसके अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं मैन, तो मैन सी प्रोग्रामिंग का वो पार्ट है जो हर सी प्रोग्राम में लिखना ही होगा। सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में मैन ही इसका सबसे मुख्य पार्ट होता है। तो एक ये जो मैन लिखा है उसके बाद में पैरेंथेसिस लिखा है, छोटा कोष्ठक लिखा है और उसको बंद कर दिया है। ये किसी भी फंक्शन, किसी भी जैसे मैन के आगे पैरेंथेसिस आ गया, ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि मैन एक फंक्शन है। और ये एक कुछ डेफिनेशन रख सकता है जिसको हम आगे देखते हैं। सी प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। जो भी सी प्रोग्राम में फंक्शन है उनमें एक फंक्शन मेन फंक्शन होगा, उसके अलावा और यूजर डिफाइंड कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। सी प्रोग्राम कंटेन्स वन और मोर फंक्शन, वन ऑफ विच मस्ट बी मेन। एवरी प्रोग्राम इन सी बिगन्स एग्जीक्यूटिंग एट द फंक्शन मेन। सी प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम है, जो भी फंक्शंस हैं, वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक फंक्शन मेन फंक्शन ज़रूर होगा। और जब भी सी प्रोग्राम के सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेन में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब मेन जहाँ लिखा है वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उसके अलावा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके लास्ट में हमने रिटर्न जीरो लिखा है। कोई भी फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और वैल्यू रिटर्न करने का मतलब है उस फंक्शन को जहाँ कहीं भी कॉल किया गया है तो वहाँ पर उसकी एक वैल्यू बनती है। वो वैल्यू यहाँ जो रिटर्न के आगे जो लिखा है वो वैल्यू बनती है। यहाँ मेन फंक्शन में रिटर्न का मतलब प्रोग्राम के एंड से समझे, मतलब जहाँ जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो लाइन वाइज लाइन ऊपर से नीचे चलता रहता है, जहाँ उसको रिटर्न जीरो मिल जाता है वहाँ प्रोग्राम का एंड हो जाता है, प्रोग्राम अंत हो जाता है, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, प्रोग्राम पूरा हो जाता है, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है, एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है। ये रिटर्न के आगे जो नंबर लिखा है वो इंडिकेट करेगा यहाँ मेन से पहले क्या लिखा है। जीसीसी कंपाइलर के साथ हम जैसे लिनक्स में काम करते हैं तो जीसीसी कंपाइलर के साथ मेन से पहले हम इंट लिखते हैं। इंट का मतलब है इंटीजर, मतलब रिटर्न के बाद में जो नंबर लिखेंगे वो एक इंटीजर होना चाहिए। मेन फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर भी कई बार हम void लिखा देखते हैं या कुछ और लिखा देखते हैं। यहाँ void का मतलब है वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब मेन फंक्शन है उसको जहाँ कहीं भी कॉल किया गया है तो इसको बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसने कोई इस फंक्शन ने कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से नहीं ली है। इसमें ये मेन की void पैरेंथेसिस मतलब छोटे कोष्ठक के अंदर void लिखने का मतलब ये बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है। और उसके जस्ट बाद में पैरेंथेसिस के जस्ट बाद में हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, मझला कोष्ठक आरंभ किया। मझला कोष्ठक का मतलब यहाँ पर ये मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर रहा है। मेन फंक्शन के बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, मतलब मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर रहा है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर मेन फंक्शन की बॉडी ख़त्म हो रही है, मतलब जो दो मझले कोष्ठक स्टार्टिंग और एंड हैं ये मिला के एक ब्लॉक बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है, ये मेन फंक्शन का की बॉडी है। अब हमने पूरे प्रोग्राम को कमेंट्स हटाकर एक साथ लिख दिया क्योंकि कमेंट्स एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं है। तो उसके अलावा जो कुछ लिखा कमेंट्स में हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने उस प्रोग्राम को लिख दिया और उसका एग्जीक्यूट करने पर आउटपुट में क्या आएगा वो लिख दिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा वैसा वैसा आउटपुट में आ गया। उसमें कुछ एक चेंजेस आए हैं जो एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड हैं, वो हम अब आगे देखते हैं। तो प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कंप्यूटर पर जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले का काम करवाता है, स्क्रीन पर दिखाने का काम करवाता है। और ये काम किस तरह से करता है, तो जैसे हमने पहला सेंटेंस देखा प्रिंट एफ, उसमें हमने उसके पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में हमने लिखा है लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। तो डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा लर्निंग सी प्रोग्रामिंग ऐसा आउटपुट में ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंज आउटपुट में नहीं आएगा। ये स्क्रीन पर जब रन कर रहे हैं उस समय वैसा वैसा डिस्प्ले में आ जाएगा। इसके एंड में जो बैकस्लैश एन लिखा है इसका मीनिंग हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग कोई भी सेंटेंस एंड होने का मतलब है वो सेमी कोलन पर एंड होगा, मतलब उसके अंत में एक सेमी कोलन आएगा। और सेमी कोलन का मतलब है कि यहाँ पर उस सेंटेंस का एंड हो गया है,
मतलब सी प्रोग्रामिंग का कोई भी सेंटेंस है उसका एंड सेमी कोलन पर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेम ये बैकस्लैश एन क्या करता है। तो बैकस्लैश एन यहाँ ध्यान रहे ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, ये बैकस्लैश है। तो बैकस्लैश जब भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने कोटेशन के अंदर लिखा है जिसको हम करेक्टर स्ट्रिंग कहते हैं या लिटरल कहते हैं या मैसेज कहते हैं, उसके अंदर यदि बैकस्लैश आता है तो बैकस्लैश वैसा वैसा प्रिंट नहीं होगा, उसका मीनिंग उसके साथ उसके जस्ट आगे लिखे करेक्टर से मिलाकर होगा। बैकस्लैश के आगे एन लिखा है इसका मतलब ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। न्यू लाइन का मतलब है जहाँ कहीं भी हम ये लिख रहे हैं, जैसे लर्निंग सी प्रोग्रामिंग डॉट डॉट उसके बाद में बैकस्लैश एन लिख दिया, इसका मतलब कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के शुरू में आ जाएगा। जैसे कि एग्जीक्यूशन में हम देख सकते हैं लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, इसमें वी कैन प्रिंट बैकस्लैश, ये जो नेक्स्ट लाइन आई है उसमें डब्ल्यू एल के नीचे है, मतलब लर्निंग सी प्रोग्रामिंग डॉट डॉट उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन के शुरू में आ गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब बैकस्लैश आता है तो उसका मीनिंग उसके आगे वाले करेक्टर से मिलके होता है। मान लेते हैं हमें बैकस्लैश प्रिंट आउट में चाहिए, हम बैकस्लैश को ही प्रिंट करना चाहते हैं। यदि बैकस्लैश को प्रिंट करना चाहें तो हमें दो बार डबल स्लैश लिखना पड़ेगा, दो बार डबल बैकस्लैश लिखेंगे, दो बार बैकस्लैश लिखेंगे, यदि डबल बैकस्लैश लिखेंगे तो आउटपुट में एक बैकस्लैश प्रिंट में आएगा। उसके बाद में हम देखें कि एस्केप सीक्वेंस जो बैकस्लैश है उसको और क्या काम में ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक देखा कि जो कुछ भी प्रिंट एफ में लिखा है वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, यदि हम कहीं भी बीच में डबल कोट लगाएंगे तो जो स्ट्रिंग है करेक्टर स्ट्रिंग है उसका एंड हो जाएगा और आगे वाला डबल कोट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यदि हमें डबल कोट प्रिंट आउट में चाहिए तो हम क्या करें, तो हम उसके लिए बैकस्लैश के आगे डबल कोट का साइन लगा देंगे, जिससे आउटपुट में हमें वो डबल कोट के रूप में मिल जाएगा।